मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हमारे मंत्री मोदी का, हमारे पक्ष प्रमुख और मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज मुझे यहां पे अभ्यास समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इस घाटी के माध्यम से आने वाले सर्व सामान्य गरीब लोग, जो लोग हमारे मराठवाड़ा छोड़ के जलगांव, चालीसगांव, भुसावल और बुल्ढाणा ऐसे जिलों से भी लोग आते हैं और सर्व सामान्य लोगों को वहां पे अच्छी तरह से सेवा मिले, इसके लिए कोशिश करने की मेरे माध्यम से, हमारे कमेटी के माध्यम से करूंगा। वहां के डीन, वहां के डॉक्टर्स, उनके भी बहुत से प्रश्न हैं, वो भी प्रश्न छोड़ने की कोशिश हम हमारे माध्यम से विधानसभा के अंदर लड़ के किसी तरह से उनके प्रश्न भी छोड़ने की मैं कोशिश करूंगा। हमारी एक ही भावना है कि मेडिकल में आने वाले हर गरीब आदमी की सेवा अच्छी तरह से हो और उनको ट्रीटमेंट अच्छी मिले, ये कोशिश करके हम हमारे कमेटी के माध्यम से काम करने की कोशिश यहां करें। तो आपने कहा, आपको पता नहीं, फिर भी जब पिछले टाइम जब मैं आमदार था, उस टाइम ओपनिंग के लिए हमारे जिले के महाराष्ट्र के अर्थमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा, उस टाइम अपनी भर्ती नहीं होने के पहले ही उसका उद्घाटन करने वाले थे। तो दादा को मैंने विनती किया, दादा कि अपन इसका कैंसर का हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, लेकिन वहां अगर आदमी नहीं रहा, अगर पेशेंट आएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो दादा ने मेरी वो बात सुन के वहां पहले कुछ लोग भरे और उसके बाद उसका उद्घाटन किया गया। मुझे पता है आपकी बात से मैं सहमत हूँ, कुछ लोगों को वहां पे तकलीफ होती है, कई लोगों की परेशानी होती है, उसके लिए भी हम कैंसर पेशेंट को भी अच्छी से अच्छी वहां पे दवा किसी भी ले जाएगी, उसके लिए भी कोशिश करके हम दवा खाने के अंदर के माध्यम से उनको दिलाने की बिल्कुल जरूर कोशिश करेंगे। बोले तो पहले से करना चाहिए था, नहीं हुआ, मैं करने के बाद फाइल अभी हमारी एडीटीपी के पास गई भी है। एडीटीपी से मैंने मंगाने के लिए कहा है, मैंने हमारे महापालिका आयुक्त से बात किया है, महापालिका आयुक्त ने भी ओके उसको बोले हुआ है। वो कमी वहां से आने के बाद पूरा सर्वे करने के बाद उसको जल्दी से जल्दी ये आने वाले अप्रैल के बाद मैं खुद पीछे पड़ा हूँ कि वो का वहां की ड्रेनेज हो गई, तो जो पानी आता है वो पानी कम से कम उनके घरों में नहीं जाते हुए ड्रेनेज लाइन के माध्यम से वो पानी बाहर चल जाए और लोगों को तकलीफ न हो, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूंगा, लोग कुछ भी सुने, कुछ भी कहे, मैं इस मुद्दे का आमदार हूँ। जब काम करते समय ना तो मैं किसी जात धर्म ये चीज देखता हूँ, मेरा फर्ज है कि ये मतदार संघ मेरा है, हर समाज के लोगों को काम करना मेरी जवाबदारी है। उस तरह से मैं शहर के अंदर आप अभी जाके देखेंगे शिवाजी हाईस्कूल के सामने जहाँ अजिंठा प्रेस थी, आप देखेंगे वहां के हमारे मुस्लिम भाइयों ने बोले थे तो उनको मैंने शब्द दिया था 2 महीने के अंदर आपको रोड बना के दूंगा, तो उनका रोड बना के मैंने दिया हूँ। आप जाके देखेंगे तो आप बोलेंगे क्या रोड बना है। आपने देखा होगा हाईस्कूल के अंदर भी मस्जिद के सामने बोलाना ने कहा था कि जयसवाल साहब कि हमारे को मस्जिद में जाने के लिए चिकन में जाना पड़ता है, तो हमारी विनती है छोटा रोड है इतना हमारे करके दे दो, तो मैंने सबसे पहले वो रोड करके दिया। बोलने का मतलब कि आप काम करते समय आपको यह सोचना चाहिए कि यह मतदार संघ आपका है, आपको किसने वोट दिया नहीं दिया उसके भाई पीछे नहीं जाते हुए जो जो लोगों को जरूरत है उस जरूरतमंद का अपने काम करना चाहिए। उस तरह से इस मध्य के अंदर मैं सब समाज के लोगों का काम कर रहा हूँ सर।